दो गाड़ियां ना ऐसी हैं जिन्होंने क्रेटा सेल्टोस की नाक में ना बुरी तरह दम कर रखा है, वो है एक तो मारुति सुजुकी ब्रेजा और दूसरी टाटा की नेक्सॉन। और इन दोनों गाड़ियों में इतनी लड़ाई होती है ना, वीडियो नहीं ख़त्म होगी, इसलिए वीडियो मैं शुरू करता हूँ। आज हम कंपेयर कर रहे हैं ब्रीजा का VXI वेरिएंट जो आपको ऑन रोड पड़ जाता है 10,88,000 का, नेक्सॉन का प्योर वेरिएंट जो आपको 7,000 महंगा 10,95,000 का पड़ जाता है। अब ब्रीजा के अंदर ना 1400 सीसी का बड़ा इंजन नेचुरल एस्पिरेटेड 4 सिलेंडर इंजन आता है जो 101 bhp की पावर बनाता है और 136 nm का टॉर्क बनाता है। इसमें फिर भी 5 गियर ही आते हैं। अगर नेक्सॉन की बात करूं तो 1200 cc का टर्बोचार 3 सिलेंडर इंजन आता है जो 118 bhp की पावर, 170 nm का टॉर्क और 6 गियर स्पीड के साथ आता है, यानी ज़्यादा पावर आपको नेक्सॉन में मिलती है। डायमेंशंस की बात अगर मैं करूं तो लेंथ दोनों की सेम है, विड्थ टाटा नेक्सॉन की ज़्यादा मिलती है, बूट भी टाटा नेक्सॉन का ज़्यादा मिलता है ब्रीजा से, और ब्रीजा के अंदर ना आपको हाइट ज़्यादा मिल जाएगी, साथ में व्हील बेस भी ज़्यादा मिलेगा, लेकिन ग्राउंड क्लियरेंस टाटा नेक्सॉन से आपको कम मिलेगी। रूफ रेल्स नहीं मिलती इस वाले वेरिएंट में ब्रीजा में, DRL भी नहीं मिलती जबकि टाटा नेक्सॉन में वो मिल जाते हैं, और 2 एयरबैग मिलते हैं ब्रीजा में और 6 एयरबैग मिलते हैं आपको टाटा नेक्सॉन में। फुल LED सेटअप भी मिल जाता है इवन इस वेरिएंट के अंदर। और अगर मैं आपको टाटा नेक्सॉन की बात बताऊं तो आप को ड्राइवर वाला एयरबैग भी डिसेबल कर सकते हो, ये काफ़ी बढ़िया फीचर लगा मेरे को गाड़ी में। और वही पुरानी स्क्रीन मिल जाती है आपको नेक्सॉन के अंदर, और वही बलेनो वाली स्क्रीन मिलती है आपको ब्रीजा के अंदर इस वाले वेरिएंट में। और नेक्सॉन में फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है, हालांकि उसके अंदर आपको मिक्स मिलता है डिजिटल प्लस एनालॉग। नेक्सॉन की सीट्स हाइट एडजस्टेबल बिल्कुल नहीं मिलती, हालांकि ब्रीजा में आपको मिल जाती है। ऑटो एसी नहीं आता पर काफी फ्यूचरिस्टिक एसी कंट्रोल्स मिलते हैं, 6 गियर का आपको गियरबॉक्स मिलता है, कनेक्टिंग LED पूरी नहीं जलती इसके अंदर। और अगर मैं बात करूं ब्रीजा की, ब्रीजा में आपको ऑटो एसी मिल जाता है, बैक फुल LED सेटअप मिलेगा आपको, और साइड मिरर फोल्डेबल मिल जाते हैं जो कि नेक्सॉन में नहीं मिलते, सिर्फ इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल मिलते हैं नेक्सॉन के अंदर। रियर एसी वेंट दोनों गाड़ियों में अवेलेबल है। और अगर मैं आपको बात बताऊं कि अलॉय व्हील्स तो दोनों में नहीं मिलते, 16 इंच के स्टील व्हील्स ही आपको मिलते हैं, और मल्टीफंक्शन स्टेयरिंग व्हील आपको दोनों गाड़ियों में अवेलेबल करा रखा है। फ्लिप की मिलती है नेक्सॉन में, और ब्रीजा में वही सिंपल पुरानी अल्टो वाली कर लीजिए। और कंक्लूजन में आपको बताऊं तो अगर आप हाईवे पे ज़्यादा चलते हो, लंबी जर्नी करते हो, तो ज़्यादा कंफर्ट आपको टाटा नेक्सॉन में मिलने वाला है। बैड रोड्स पे सबसे अच्छे सस्पेंशन टाटा ही देता है, तो टाटा नेक्सॉन आपके लिए बढ़िया रहेगी। माउंटेन्स पे ज़्यादा टॉर्क की जरूरत पड़ती है तो माउंटेन्स पे आराम से गाड़ी चल जाएगी। और लुक्स अब बदल चुके हैं टाटा ने, ब्रीजा इसलिए लेते थे लोग क्योंकि बैक लुक्स टाटा नेक्सॉन के बहुत घटिया थे, लेकिन ब्रीजा लेने का भी अपना कारण है। ब्रीजा लेने का ये कारण है, आप सिटी के ट्रैफिक के में परेशान हो, स्मूथनेस चाहिए गाड़ी में, स्मूथ गियर हो और काफ़ी साइलेंट कैबिन मिले आपको और गाड़ी काफ़ी क्विक हो और इंजन बहुत रिलायबल हो, तो आपके लिए ब्रीजा है। सर्विस कॉस्ट भी मारुति की कम होती है भाइयों, और मारुति का पर एसी बहुत चिलिंग नहीं करता है, मैं आपको बताऊं टाटा नेक्सॉन का ज़्यादा चिल करेगा मारुति के मुकाबले। हालांकि कहने को नेक्सॉन में पावर ज़्यादा है, लेकिन अगर मैं आपको बताऊं तो ब्रीजा थोड़ा सी क्विक लगेगी क्योंकि ब्रीजा का वजन नेक्सॉन से कम है, और सेफ्टी में तो दोनों ही सेम है, तो आप कोई भी गाड़ी ले सकते हो।